आज हमारे साथ भारत मगत की एक जो लोकप्रिय परंपरा है चना जोर गरम, उसके एक ऐसे कलाकार से मुलाकात कराते हैं जो काफ़ी सालों से चना जोर गरम बेच रहे हैं और अपनी रोजी रोटी जो है इस महंगाई के दौर में 10 रुपये के चना जोर गरम बेचते हुए अपनी रोजी रोटी चलाने को मजबूर हैं। तो ऐसे ही आपका नाम क्या है बताइए? कुमार प्रसाद, महाराजपुर। गांव का प्रखंड का नाम बताइए कहाँ है और पंचायत कौन सा है, जिले कौन सा है पूरा बताइए। मेरा हम सब बता दें, मेरा नालंदा जिला मखान करते जाकर फल्गो में स्नान की करते अंगारी धाम में स्नान की रखते और विश्वनाथ तरजा चना बेचने वाला है कंगरसराय थाना गोमहर पंचायत अंगारी टीसन महाराजपुर का शिवी कुमार। चना जोर गरम मेरा चना बना अलबत्ता पहुँच गए थे बड़े शहर कलकत्ता, वहाँ सोना चांदी गलता तो यहाँ लाल टका निकलता। चना जोर गरम मेरा चना बना है अहिया, मेरा चना बना है अहिया, चले रेलगाड़ी का पहिया नीचे बहती गंगा मैया, जकरा में चलते लाखों नैया उसमें केवट कृष्ण कन्हैया, बैठेंगे राम लक्ष्मण भैया तो नैया पार करिए बेड़ा गंगा मैया। चना जोर गरम मेरा चना बना है इधर देखते गंगा जी का लहर थोड़ा, आ बढ़ते उधर लिया एक का नंबर जगाया बड़ा, उधर लिया दो का नंबर पहुंचा दिया कंगरसराय मार्केट का अंदर। चना जोर गरम मेरा चना बना है उल टूट गया हबड़े का एक कुल, लड़कन गया पढ़े स्कूल टीचर मार दिया एक रूल तो लड़कन भाग चला स्कूल से बिल्कुल। चना जोर गरम आप कितने साल से चना जोर गरम बेच रहे हैं और कैसे सीखा इस परंपरा को, कैसे बनाते हैं, कैसे बनता है बताएं? बनते हैं बनाने की विधि है गरम पानी में तारने पड़ता है, उसके बाद तारने के बाद डल्ला में उछाल देते हैं, रात भर सिमराता उसके बाद एक एक दाना हथौड़ी से कुटाता, करुआ तेल में छनाता, बिटनून ढलवा बाजार में मिलता, जीरा हो गया गोल के हो गया चरपत्ता मिर्चाई के बुकनी उला के कूट के चाल के इसको सौना कर देते हैं, पुरिया के छाट के काट के पुरिया बना के धार के वही रेडी कर देते हैं। एक पुरिया कितने का बेच रहे हैं? 10 रुपया का। तो 10 रुपये में कितने का बेच लेते हैं? कोई गारंटी इसमें नहीं, कहनो 100 भी कमाते हैं, कहनो 60 कमाते हैं, कहनो 1000 भी हो सकता है, सब बिक्री ऊपर सेलिंग ऊपर है। हम चेन्नई सेंट्रल में रहते थे, सेठ के पास रहते थे, 25,000 रुपये के महीना कमाते थे, पिताजी घर का होटल चलाते थे, जो विवेक जी बता रहे हैं उन्हीं हमारा पिताजी मजदूरी करते थे दोस्तों, उन्हीं का हम लड़का हुए बड़ा। आज पिताजी गुजार दिए 2 साल पहले, परलाइसिस मारा, माँ के भी परलाइसिस मारा, उसके बाद हम भटक रहे, अकेलुआ हो गई, इसलिए अब घर पर न रहे, घर पर से चलाते साग सब्जी होता है घर चल जाते हैं, दूसरे मजदूरी भी करते हैं। कितने किसी को आपने किसी को सिखाया ये कि कैसे बनाते हैं, कोई आपके बाद कौन इसको बेचेगा, कैसे सिखाएंगे आप, कैसे किसी को सिखाया आपने? हाँ, गांव में सिखा दिए, एगो सिया सरन जी बेचते हैं लाठी लेके सामर नहीं, पिताजी गुजारे किए, पिताजी हमारा फूफा बेचते थे वो उन्हीं से हथौड़ी दिए थे, सारा रोजगार बताए थे, तो पिताजी पहले स्क्रेम बेचते थे मोहन मिल में बिहार रोड में, उसके बाद उनको ही स्क्रेम छोड़े थे चना जोर गरम बेचते, उसको पहले खेती गृहस्थ विवेक चाह ही करते थे 20 साल लगाए। कोई नया हथौड़ी होता है क्या, उसके लिए अलग हथौड़ी होता है? डंटी वाला वो छोटा छोटा हथौड़ी, एक एक दाना टूटते हैं, हम लोग का घिरनी नहीं हथौड़ी नचता कि चुराएगा भी नहीं, आप लोग देखेगा तो कहेगा चुरा के रात भर, एक उछाट जाता तो लग भी जाता। अच्छा अच्छा, लग भी जाता है आपके हाथ में। अच्छा देखिए, इधर इधर दिखाइए। अच्छा, ऐसा इस तरीके से हो जाता है। तो क्या ये मगध में नालंदा में कोई अलग चना जोर गरम बेचते हैं कि ऐसा ही हर जगह होता है, कि आपका कुछ अलग स्पेशल, क्या आपका स्पेशल क्या है इसमें? इसमें है कि ओरिजिनल घर का चना बनाते हैं तो पूरा पसंद लोग करते हैं, ट्रेनों से चल जाते फतुहा तक भी। तो मगही चना होता है या बाजार से ले आते हैं, क्या ये लोकल चना होता है? ये लोकल चना हम लोग कूट के बनाते हैं, बाजार वाला ना है रेडीमेड के साथ, मगही चना, मगही चना इसका स्वाद है और कुछ है। अच्छा, मतलब कि देश जो मगध की खुशबू है, मतलब यहाँ लोकल जो चना होता है उसी चना का बनाते हैं? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि अगर कभी कम कमाते हैं तो कैसे पेट चलाते हैं, कैसे आप अलग कैसे व्यवस्था करते हैं? यार मजदूरी में बताए ना कि दूसर मजदूरी
हम कर लेते हैं भाई, खेती गृहस्थी के काम चौरा बटैया भी कर लेते हैं, खाने के लिए भोजन हो जाता, ये हो गया साग सब्जी नून तेल के लिए। अब जब तक माँ के पैरालिसिस मार दिया है इसलिए है ना, तो माँ गुजर गई उसको काम क्रिया केला के बाद हम चनाइये चल जाएंगे। भाई अभी छोटा चल गया चना, वह जो फोन करता है वो आवेगा तो फिर हम जाएंगे। कहावत है कि आज देखिए घर पर अब अंतिम लास्ट पोजिशन, हो सकता है दो महीना में गुजरे चाहे एक महीना, खाना उना बंद कर दिया खाली पावर। ये बताइए कोरोना के बाद, कोरोना जब ये हुआ लॉकडाउन लगा तो इसमें कैसे तो चना जोड़ा का बिकना बंद हुआ या फिर अधिक बिकने लगा, आपको क्या दिक्कत हुआ कोरोना के बाद? कहता है कि लॉकडाउन से सब सूखा हुआ है सर, बाजार बड़ी डाउन है ना, तो कोरोना नहीं रहता था सर, ये चना जोड़ के मंगाड़ी में कम से कम 2 घंटा में 10,000 रुपया लोस थे, 2 घंटा में मोड़ पर अंगारी मोड़ पर कॉलेज के सामने ने तो खाटी मोर्चा जो है मंदीपुर वाला इमली के घाट है जहाँ दारू बिकता था वहीं पर मोर्चा पर पिताजी बेचते थे 2 घंटा में 10,000 रुपया। तो ये जो गाना आपने कहाँ से सीखा, ये जो गाना आपका जो गीत है चना दूर गरम का, ये गीत आपने कहाँ से, दो चार और सुनाएंगे? सीखे सर मैं पढ़े लिखे हुए हैं। हाँ कहाँ तो पढ़ाई किया आपने? मैट्रिकुलेट किए हुए हैं। अच्छा मैट्रिक, तो क्या एक दो और गाना सुनाएंगे जो कुछ ऐसा जो गाना जो मगध के नालंदा के बारे में बताए और ऐसा कुछ गाना बोले बताएंगे सर? नहीं हाँ, हाँ, जो आपके हाँ हाँ जो है आपका। हाँ सुनर लिया सरस्वती माता तुम्हें बुद्ध ज्ञान का दाता, हाँ मैं तो चरणों से इसने भाता रोटी यही कार का खाता, लटका है कंगर सराय भर दंगल में कहता चना जो गरम मेरा चना बनाए तार खाते बड़े बड़े अफसर बैठते हैं कुर्सी का ऊपर कलम चला ये सरासर चना जोर गरम मेरा चना बना मसालेदार पुरिया लेकर जाइए घर खिलाइए भाभी को दिलवर भाभी बोल बैठे आजकल कहाँ से लाए है दे वार चना जोर गरम मेरा चना बना है लिखा था लक्ष्मण जैसा बिर लगा था वेघनाथ का तीर फूट गए रावण का तकदीर चना जोर गरम हाय हाय जी जाना खातिन मोछ वाला मर्दाना उनकर सुंदर मिलती जाना ना चना जोर गरम। जी फालतू बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किस तरीके से कोरोना काल में जो है एक समान सा जो है एक समान सा जो है व्यापारी वर्ग जो है किस तरीके से कोरोना के लॉकडाउन लगने के बाद विभिन्न तरह के समस्याओं से पीड़ित हो रहे हैं। और रोजगार की क्या मनरेगा में रोजगार आपको मिलता है जी? मनरेगा में अपने काम किया को रोजगार मिला आपको कोरोना लॉकडाउन के बीच में? नहीं मिला सर। तो देखिए ये स्थिति है बाढ़ नालंदा में, बिहार राज्य के सबसे विकसित और राज्य का विकसित जिला कहलाता है नालंदा जिला, जहाँ पे जो है स्थिति ऐसी है कि लोगों को विकट परिस्थिति में अपने रोजगार के जो है स्थिति के लिए चना जोड़ग्राम बेचना पड़ता है। जो व्यक्ति पहले 2,000 रुपये तक कमा रहा था आज 50 और 60 रुपये के इनकम 100 रुपये की इनकम तक आ गई है। तो ये है नालंदा से मनीष कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट।